योग निद्रा में जब हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा होने में कितना वक्त लगता है क्या योग निद्रा हमारी शारीरिक बीमारी दूर करने में मदद कर सकता है पहली बात अब संकल्प आपने क्या किया है अब आप संकल्प अगर ये करके बैठे हैं कि मैं बिल गेट्स की तरह बिलेनर हो जाऊं, तो पहली बात तो ये कि अब तो लगे रहो फिर जितना टाइम लगेगा तो लगेगा एंड हु नोस बिकॉज मनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इसके संकल्प योग निद्रा में किए तो आपने योग निद्रा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर दिया योग निद्रा है हम अपने अंदर श्रेष्ठ मूल्यों को साधनात्मक दृष्टिकोण को ज्ञान मार्ग को ध्यान मार्ग को हम अपना सकें अपनी बुरी आदतों से हम छूट सकें तो बुरी आदत का संकल्प तो हमने कर लिया योग निद्रा में कि छूट जाए मेरी बुरी आदत पर बाद में अगर उसी बुरे कर्म में आप लगे रहे तो फिर क्या क्या होगा फिर तो ये होगा कि आप योग निद्रा में संकल्प भी कर रहे हैं मेरी बुरी आदत छूट जाए पर आप छोड़ भी नहीं रहे तो इट इज नॉट दैट व्हाट यू डू इन योग निद्रा इट इज व्हाट यू विल डू वंस द योग निद्रा हैज एंडेड सो इट हैज टू सपोर्ट वन एन अदर कितना वक्त लगेगा वक्त एक कल्पना है आज आज है आने वाला कल और बीत चुका कल सिर्फ एक स्वप्न है और कुछ भी नहीं इसलिए समय के मापदंड को इसमें लाना उचित नहीं होगा बट आई बिलीव कि अगर आपका मन शांत एकाग्र इंटीग्रेटेड रिलैक्स्ड है ऐसे में जब आप कुछ सोचते हैं पूरा होगा ये निश्चय करिए कब होगा तो उसके लिए इट अ सरप्राइज Let it be so. Let's not waste our time. When will it happen? You should enjoy this moment when you are doing good sewing with your good resolve. That is more important.